हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जीरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है उसे कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप सभी ये भी जानोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जीरोधा में जब आप इनेबल करते हो उसके बाद कुछ टाइम लेता है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है आपका इनेबल हो जाता है। तो वो दोस्तों मैं वेट करने के बाद पूरा फुल वीडियो में लाइव इनेबल करके दिखाया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी को दिखाते हैं कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, FNO सेगमेंट ऑन करने के लिए दो तरीका है। तो सबसे पहला तरीका दोस्तों ये है, देखते हैं यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50, ये सब चीज़ें आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ बाय वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ बाय पर क्लिक करते हैं और इससे आप यहाँ पर स्वैप कर दो। ठीक है, तो ये बाय नहीं होगा, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कंसोल, जस्ट आपको कंसोल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आप डायरेक्टली वहीं पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना, देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर ऑन करने का ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका ये फ्रेंड्स, यदि आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं एक तरीका और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो नीचे आपका प्रोफाइल वाला सेगमेंट दिख रहा है सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और ये प्रोफाइल दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है एक बार और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे सेगमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जस्ट यहाँ पे NSC BSC आपको जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और थोड़ा सा हम वेट करते हैं फ्रेंड्स, और नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना, और देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम। यहीं से आप ऑन कर सकते हैं NSC फ्यूचर एंड ऑप्शंस और BSC फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है दोस्तों, ये जो NSE BSE आप सभी को इक्विटी देख रहा है, तो ये अकाउंट ओपन करते टाइम ही हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया था, तो उसी टाइम ये ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी का भी ये दोनों ऑन दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि NSE और BSE में ट्रेडिंग करें, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे दोनों सेक्शन जो है उसे ऑन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन करने के बाद NSE BSE फ्यूचर में ऑन करने के बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ गया है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं ग्रॉस इनकम, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है बिलो 1 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाला दोस्तों देख सकते हैं कुछ ऑप्शन खुल के आ जाता है, यूज माई होल्डिंग स्टेटमेंट एज अ इनकम प्रूफ। दोस्तों साइड स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, यदि आपका 10,000 से प्लस होल्डिंग है, मतलब 10,000 से प्लस इन्वेस्टमेंट है इस एप्लीकेशन में जीरोधा में, ठीक है, तब दोस्तों ये वाला काम करेगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक ही रहने देना है, तब आपका जो है अकाउंट दोस्तों इसमें अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और किसी इनकम प्रूफ के देने के जरूरत नहीं होगा, लेकिन आपका अकाउंट में 10,000 होना चाहिए तभी ये इनकम प्रूफ के तरह काम करेगा। ठीक है, ये दोस्तों ज़्यादातर लोग क्लियर नहीं किए हुए हैं अपने वीडियोज में, तो मैं आप सभी को क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे दोस्तों करके देख रहा था और मेरे होल्डिंग में उतना नहीं था, तो स्क्रीन साइड में आपको दिख रहा होगा क्या शो हो रहा था। तो ठीक है, 10,000 होगा तभी ये एज ए इनकम प्रूफ के जैसा काम करेगा, होल्डिंग में होना चाहिए उतना। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला तो काम नहीं होगा, तो इसको हम यहाँ पे दोस्तों इसे हम अनचेक करते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे आप दे सकते हो। इनकम प्रूफ में आप अपने 6 मंथ का बैंक जो स्टेटमेंट रहता है उसे यहाँ पे आपको डालना है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो डाल सकते हैं। दोस्तों कैसे डाउनलोड होता है वो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जो भी रहता है जिस भी बैंक रहता है उस बैंक का एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें 6 मंथ का जो भी स्टेटमेंट रहता है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लेटेस्ट सैलरी स्लिप होना चाहिए दोस्तों, अगर आप कहीं वर्किंग है और सैलरी स्लिप है आपके पास तो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब न्यू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब लास्ट मंथ का होना चाहिए ऐसा कुछ है। ITR अगर आप फाइल करते हो तो उसका यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, फॉर्म 16 का डाल सकते हो, नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो डाल सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग, डीमेट होल्डिंग का स्टेटमेंट आपके पास है वो डाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली दोस्तों अभी जो हम यहाँ पे बैंक का स्टेटमेंट डालेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बैंक का स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या करना है ध्यान से आप देखें फ्रेंड्स। अब दोस्तों यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हैं PDF में ही आपको अपलोड करना होगा, और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं फॉर्मेट जो है सपोर्टेड PDF और मैक्सिमम 5 MB से कम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइल में चले जाते हैं और दोस्तों उसे हम यहाँ पे रिसेंट में कर लेते हैं क्लिक। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे अपलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका पासवर्ड एंटर करेंगे। यदि दोस्तों आपका PDF में कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे एंटर करना होगा क्योंकि मेरा जो है पासवर्ड लगा हुआ था। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ ऑथराइज पे क्लिक करना होगा। अब जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड वाला ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल नंबर है अवेलेबल, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे दोस्तों SMS जाएगा उस नंबर पे, तो यहाँ पे जस्ट एंटर करना होगा और यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जो है प्रोसेस लग जाएगा, थोड़ा सा अभी वेट करते हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन जो है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे आप सभी को लिखा हुआ योर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट अपडेट के लिए ये देख सकते हैं नेक्स्ट 12 आवर आपको वेट करना होगा, 12 घंटे तक आपको वेट करना है, उसके बाद फिर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही था प्रोसेस दोस्तों कि आप किस तरह से सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 12 से 24 घंटे तक वेट करने के बाद ये जो है फाइनली मेरा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सेटिंग या प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जस्ट नीचे आप जाओगे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल एक्टिवेटेड हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, सेगमेंट में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डीएक्टिवेटेड या कुछ भी दिखा रहा है तो आपको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं दोस्तों। बेसिकली यहाँ पे सिस्टम ये है कि फर्स्ट में आपका जो है एनएससी ओपन हो जाएगा, ठीक है, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना होगा, सेम ही प्रोसेस इसमें भी करना है, तो क्या होगा 6-7 घंटे के अंदर ये जो है बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि दोनों ये चालू हो जाएगा। तो अभी है दोस्तों देख सकते दोनों मेरा ओपन हो गया। अब हम किसी भी तरह से शेयर को यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप सभी क्या करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप दोस्तों अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरोधा में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी वीडियो साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।